रेप पार्टी में सांपों का जहर बेचने को लेकर बिग बॉस ओटीटी 2 विनर एल्विश यादव सुर्खियों में हैं, लेकिन शनिवार की रात राजस्थान पुलिस ने उन्हें चेकिंग के दौरान पकड़ लिया और पूछताछ की। पुलिस ने बताया कि एल्विश अपने 3 दोस्तों के साथ मुंबई से दिल्ली जा रहा था। इस बीच चुनाव को लेकर पुलिस की चेकिंग चल रही थी। इसी दौरान कोटा के सुकेत में पुलिस ने यूट्यूबर एल्विश यादव को रोका और उसे हिरासत में लेते हुए नोएडा पुलिस को फोन कॉल लगा दी, जिसके बाद नोएडा पुलिस ने बताया कि एल्विश कोई वांटेड आरोपी नहीं है, जिसके बाद पुलिस ने एल्विश यादव को छोड़ दिया। अभी विधानसभा चुनाव 2023 के चलते हुए रूटीन नाकाबंदी के दौरान चेकिंग की जा रही थी। दौरान चेकिंग एक पीबी नंबर गाड़ी आई थी, उसमें 3-4 जने सवार थे। इस संदर्भ में उनसे जब बातचीत की गई और उनकी चेकिंग की गई तो एक ने अपना नाम एल्विश यादव करके बताया। एल्विश यादव के खिलाफ नोएडा में रेव पार्टी में सांपों का जहर बेचने का आरोप है। हालांकि यूट्यूबर इस इल्जाम को झूठा बता रहे हैं और खुद को साजिश का शिकार बता रहे हैं। दरअसल एल्विश यादव को पकड़ने के लिए बीजेपी सांसद मेनका गांधी की संस्था पीपल फॉर एनिमल संस्था ने एक जाल बिछाया था। उनकी तरफ से फोन करके रेव पार्टी में सांप के जहर की सप्लाई करने को कहा गया था, जिसके बाद किसी राहुल यादव का नंबर मिला था। उसके बाद नोएडा पुलिस ने 5 लोगों को अरेस्ट कर एल्विश यादव के खिलाफ FIR दर्ज की थी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।